जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गुरुवार को मच्छल सेक्टर में आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। इस दौरान सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कुपवाड़ा पुलिस द्वारा दी गई एक विशेष जानकारी के आधार पर मच्छल सेक्टर में एक मुठभेड़ शुरू हो गई है, जिसमें अब तक दो आतंकवादी मारे गए हैं, ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा 26 अक्टूबर के चलाए गए एक संयुक्त अभियान में कुपवाड़ा सेक्टर में एनओसी पर फतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पोस्ट में कहा गया कि अभियान अभी जारी है। वहीं इससे पहले बीते 10 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले में मुठभेड़ में लश्करे तैयबा के दो आतंकवादियों को मार गिराया था। इस दौरान पुलिस ने बताया था कि शोपियां के अलीशपुरा में सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। अब तक दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना की चिनार कोर ने बताया कि कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास सेना और पुलिस ने एक विशेष सूचना पर संयुक्त अभियान चलाया। सीमा पार से हो रही घुसपैठ को विफल कर दिया गया है। यहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, मौके पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों का काम तमाम कर रहे हैं। सेना आतंकियों का चुन चुन कर सफाया कर रही है। एलओसी पर भारतीय सेना का पहरा कड़ा है। दुश्मन की हर चाल को जाबाज जवान फेल कर दे रहे हैं। एलओसी पार से हर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा रहा है और जो अंदर दाखिल भी हो रहा है उसे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर भारतीय सुरक्षा बल ढेर कर दे रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल 111 आतंकवादी एक्टिव हैं। इसमें 71 पाकिस्तानी आतंकी हैं और 40 आतंकी लोकल हैं। जानकारी मिली है कि साल 2023 में अब तक करीब कश्मीर में 50 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से 38 विदेशी आतंकी हैं, जबकि 204 आतंकवादी पकड़े भी गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल यानी 2022 में जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या 137 थी, लेकिन इस साल अभी तक ये आंकड़ा 111 का है। यानी इस साल पिछले साल की अपेक्षा घाटी में एक्टिव आतंकियों की संख्या में कमी आई है। आपको बता दें कि जंगल और गुरिल्ला वारफेयर में कोबरा कमांडो को महारत हासिल है। पिछले कुछ दिनों से आतंकी जम्मू कश्मीर के जंगलों और पहाड़ों में छिपकर सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं, इसलिए इन्हें जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। कोबरा नक्सलियों से निपटने के लिए एक खास फोर्स है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।